से प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश मेरा स्वभाव है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दही और क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चाह होती है जो हमारे जिंदगी की दिशा तय करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुने। कई बार लोग नाकामी में इतने हताश हो जाते हैं कि कामयाबी के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और अपराध कब उन्हें अपने चपेट में ले लेता है उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे एक झूठ और कई झूठ बुलवाता है, वैसे ही एक अपराध और कई अपराध करवाता है। ये कहानी कई लोगों से जुड़ी हुई है, उनमें से एक है शामली। हाय गाइस, मैं हूँ शामली, जुड़ी हूँ आपसे लाइव और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल चटोरी लड़की। तो आज बनाना सीखेंगे हम मादी दाल, जिसे काले उड़द की दाल भी कहा जाता है, लेकिन पंजाब विच ये है मादी दाल, क्योंकि इसमें वाकई है माँ की स्वाद की फीलिंग। तो चलिए सीखते हैं मादी दाल। शामली ने अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहा था, वो अपने छोटे मोटे तनावों से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत डरावना था। और ये लीजिए, हो गई तैयार मादी दाल। आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए, और मैं चली अपने पति की ड्यूटी निभाने। तब तक के लिए बाय द शाय। हो गया तुम्हारा? चाय मिलेगी उन? मैंने सुबह 7 बजे ही चाय बना के बेडरूम में रख दी थी। तुम्हें बोला भी था कि पी लेना, लेकिन तुम उठे ही नहीं। तो अब मैं ठंडी चाय पीऊं? दोबारा नहीं बना सकती? शशि, मुझे और भी काम है ना। तृप्ति को रेडी करके स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस जाना है। तुम खुद बना लो ना अपनी चाय। ये एक चाय मांगी है, उसमें भी इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। सोशल मीडिया के वीडियो बनाने का टाइम है तुम्हारे पास, पर चाय बना के मत देना। चलो चलो चलो। रचना। हाय शामली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना। अच्छा हो तुम मिल गई। एक फेवर करोगी प्लीज? हाँ बोलो ना। आज तृप्ति को स्कूल ड्रॉप कर दोगी? मुझे ना ऑफिस जाने में बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ श्योर, थैंक यू। चलो आज आंटी के साथ स्कूल जाना। हाँ बाय मामा। बाय बेटा, थैंक यू, बाय। लव मैरिजेस ना 1-2 साल ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो लाइफ ना एकदम रुके हुए पानी जैसी हो जाती है। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची यार। तो शामली क्या तुम्हें वक्त नहीं दे पाती? अरे मुझे अभी टाइम चाहिए नहीं उसका, अब तो उसके साथ वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे। तो तुम लोग क्या डिवोर्स लेने वाले हो? अगर तृप्ति नहीं होती ना तो अब तक तो मैं डिवोर्स ले भी चुका होता उससे। एक मिनट। जल्दी हेलो। शशि जी, मैं रचना बोल रही हूँ। शामली का है आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, और तृप्ति भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। वो ऑफिस से अब तक घर वापस आ जाती है। हाँ आने वाली होगी, ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फोन नहीं उठा रही। अच्छा तब तक तुम जरा तृप्ति का ख्याल रख लो ना। मम्मा आई नहीं अभी तक? कहाँ रह गई? यार ये शामली भी ना कितनी केयरलेस हो गई है। अरे कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि लेट हो जाएगी। एनीवेज थैंक यू तृप्ति का ख्याल रखने के लिए। बाय तृप्ति। ये पकड़ो। भूख लग रही होगी ना, फटाफट तुम्हारे लिए नूडल्स और अपने लिए चाय बनाते हैं, ठीक है? जब मम्मा ने आपको सुबह खुद से चाय बनाने के लिए बोला था तो आप गुस्सा हो गए थे ना? हाँ वो ऐसे। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे उड़ गई तू? हाँ म्यूजिक सुनेगी? सुनना तुझे भाग के जग कपड़े उतार इसके। मैं देखता हूँ कैसे भागती है। नहीं 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पैर पकड़ इसके, पैर पकड़। पैर पकड़। और ऐसा छोड़ो। ऐसा नहीं करते। यो गलती मत कर देना। हाँ? सर ये मेरी वाइफ है शामली। कल दोपहर करीब 3 बजे ऑफिस से निकली है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर मैंने सारे रिलेटिव से पता किया, इसके ऑफिस स्टाफ से पता किया लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सर इसका फ़ोन कंटिन्यू चालू है। कहीं तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ था? सर नॉर्मल तो मैं हुई थी सुबह, लेकिन उसके बाद मेरी दोपहर में बात भी हुई है उससे फ़ोन पे। अब क्यों कॉल कर रही हो? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी चाची। एक बार मुंह फुला लेते हो ना तो बस फिर नॉर्मल होते ही नहीं हो जल्दी। अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया है? शशि 10 साल हो गए हमारी शादी को और हम अभी भी झगड़ते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। शामली मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि हमें काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। देखो आज मैं घर जल्दी आ रही हूँ, तुम भी थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। मन कर रहा है कि हम पहले की तरह डेट पे जाएं। ठीक, शाम को मिलते। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी कल घर जल्दी आने वाली थी? जी सर। पूरी रात बीत गई, तुम्हें नहीं लगा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है? एक्चुअली मेरी वाइफ के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी भी झगड़ा करके घर से चली जाती। सर मुझे लगा इस बार भी मुझे परेशान करने के लिए चली गई होगी, लेकिन सर जब रात भर नहीं आई तो मुझे टेंशन हो रही है। सर प्लीज़ हेल्प कीजिए ना उसको ढूंढने में। अरे खोल दे दरवाजा। भाई अच्छा था इसके हाथ पैर बांधे थे। अरे चाची तू जाके पीछे खिड़की पे देख। अरे खोल दे नहीं तो दरवाजा तोड़ भी सकते हैं हम। अगर मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं खुद को मार दूंगी। तूने ऐसा करने की सोची भी ना तो तेरी बेटी का वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती है। चल दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आधी दाल। मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती है तुम। चल आज हम सबके लिए खाना बना। भाई स्नान करके पहन ले और हाँ इस बार दरवाजा अंदर से बंद मत करियो। चलो आइए सर। क्या अपडेट है? सर मैं यहाँ से पेट्रोलिंग टीम के पास जा रहा था, तब मैंने शामली की कार यहाँ खड़ी देखी। सर गाड़ी में ये फोन मिला है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, ये फोन चालू करवाओ और फोरेंसिक टीम को बुलाओ, गाड़ी अच्छी तरह चेक करो, कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन शामली की कार यहाँ खड़ी है, मतलब हो सकता है वो आसपास किसी के घर गई हो। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसी ने शामली को आते जाते देखा हो तो। सर रेलवे स्टेशन रोड? जी हाँ, हमें इस रोड पे शामली की कार मिली है। यहाँ आसपास कोई रहता है जिसे शामली मिलने गई हो? पता नहीं सर, पर वो रेलवे स्टेशन रोड क्यों जाएगी? हाँ शायद हो सकता है वो अपने ऑफिस के किसी काम से गई हो। हम उसके ऑफिस में ही पता कर रहे हैं। हमें शामली के बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको कॉल करेंगे। हाँ सर प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। पापा मम्मा कहाँ हैं? बेटा वो तुम्हारी विभा मासी के पास गई हैं। विभा मासी तो नीचे आ गई हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। जीजू सच सच बताइए, आपके और दीदी के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? दीदी इतनी देर तक बिना बताए कहीं नहीं जाती है। अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे से झगड़ा हुआ होता तो घर छोड़ के जा भी सकती थी, पर ऐसे तृप्ति को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती वो। विभा अब मुझे टेंशन हो रही है। वैसे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को शामली की कार स्टेशन रोड के पास मिली है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ किससे मिलने गई थी वो। स्टेशन रोड? जीजू स्टेशन रोड पर तो एक पार्लर है, दीदी अक्सर वहाँ जाया करती थी। सोची एक काम कर, तू ये रूट पे जाना ठीक है? जी भाई। और हाँ रास्ते में कोई ठुल्ला मिले ना तो गड्डी रोकना नहीं, बस एक नोट की गड्डी उसके हवाले कर देना। उस रास्ते की सारी सेटिंग कर रखी है मैंने। चलो जाओ। दीदे फाड़ के क्या देख रही है? खाना बना, भूख लगी है मैंने। सर कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास शामली मैम पार्लर आई थी। उन्होंने फेशियल करवाया, पेडिक्योर करवाया और करीब 4:30 बजे के आसपास वो चली गई थी। कुछ आइडिया है वो यहाँ से निकलने के बाद किस तरफ को गई थी? नहीं सर, जिस तरह से उन्होंने अपना मेकओवर करवाया था उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी में जा रही है। तू भी खा ले हमारे साथ, आ जा। प्लीज मुझ पे एहसान करो, मुझे मेरे घर जाने तो बस। तू घर चली गई तो हमें खाना बना के कौन खिलाएगा? चल बैठ। मुझे मना करेगी? हाँ चल बैठ बैठ। खा खा। हेलो सर। हेलो प्रशांत, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। जो तुमने टेक्टोनिक प्लेट्स पर थीसिस लिखी थी ना, उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत पसंद किया है। ओह रियली सर? हाँ, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। वाकई में तुम्हारी रिसर्च कमाल की है। थैंक यू सर। अरे अरुणिमा मिठाई मंगवाओ, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। चल मेरे साथ चल। आजा। हाँ आजा। आ तो। अरे आ। डर मत, रेप नहीं करूंगा तेरा, बस प्यार करूंगा। छटपटा नहीं, मुझे पता है ना तेरी बेटी का साथ दी। तृप्ति बेटा दूध पी लो। नहीं मौसी। बेटा अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी मम्मा बोलेंगी कि उनके पीछे से मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जल्दी पी लो। लेकिन मौसी मम्मा का है, अब मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा पता लगा रहे हैं, तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएंगी। हाँ तेरे आंसू ना खत्म हुए अब तक? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना, अब मुझे जाने दो। देख अगर पहले वाला लवली होता ना तो जाने देता तेरे को, लेकिन अब तो कोई भी इंसान ना अच्छा या बुरा माँ के पेट से बन के पैदा नहीं होता, ये दुनिया उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मैं भी चाहता था देश का नाम रोशन करूं, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया था मैंने रनिंग में। तुमने जो भी किया हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? देखो मुझे जाने दो, मैं अपने पति को बोलूंगी। कितनी भोली है तू, किस बात की गलतफहमी है तुझे? तेरा पति तेरे लिए फूटी कौड़ी बना देगा, समझी? तुम जानते हो मेरे पति को? सर 15 दिन हो गए मेरी बीवी को गायब हुए और आप लोग अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। देखो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, हमने तुम्हारी बीवी की गाड़ी की फॉरेंसिक जांच भी करवाई, लेकिन हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मुझे तो लगता है वो गाड़ी स्टेशन के पास छोड़ के ट्रेन से कहीं बाहर निकल गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी अपनी गाड़ी को रोड पे छोड़ के? और सर आपको उसकी गाड़ी में उसका मोबाइल भी तो मिला था ना? उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। एक बात और, स्टेशन रोड के एक मोबाइल शॉप से उसने अपने लिए एक नया सिम कार्ड भी लिया था करीब 4:30-5 बजे। तुम मुझे बताओ वो अपने लिए एक नया सिम कार्ड क्यों लेगी? सर सोशल मीडिया पे उसने अपना नंबर शेयर कर दिया था तो फैंस कॉल करके उसको परेशान करने लगे थे, शायद इस वजह से उसने नया नंबर लिया हो। लेकिन उसका नया सिम कार्ड अभी तक किसी फोन में इंसर्ट नहीं किया गया है। तो सर इसका मेरी बीवी के गायब होने से क्या लेना देना? हम उसके नए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रहे हैं, जैसे ही वो कार्ड किसी फोन में डाला जाएगा हमें तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तो मतलब तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे? तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ, शामली का कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। इस केस में पुलिस का रवैया बहुत निराशाजनक था। बीच रास्ते में शामली की कार के मिलने का मतलब था कि वो मुसीबत में थी, लेकिन पुलिस का ये कह देना कि शामली अपनी मर्जी से कहीं गई है, ये एक तरीके से अपराध को अनदेखा करने जैसा था। तो पुलिस लापरवाही कर रही थी या वो दरअसल अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही थी? शामली के क्रिमिनल्स ने उसे एक सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। 1 महीना गुजर चुका था और शामली को उस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं शामली के पति ने उसे सोशल मीडिया के सहारे ढूंढने का सोचा। मेरी बीवी शामली पिछले 33 दिनों से लापता है। अगर आप शामली के बारे में कुछ भी जानते हैं या उसको देखा है या कोई भी जानकारी हो तो इस वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है, प्लीज जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये लीजिए, एक बार आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो आप बहुत बिजी हो जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि इससे पहले हम मिहिर की शादी कर देते, लेकिन एक शंका सी बैठी है मन में और ये शंका का निवारण पूजा से ही हो सकता है। पूजा? कैसे पूजा? तू मेरे को धमकी देगा? हाँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो तू वहीं रुक, आके तुझे बताता हूँ। अभी किसे धमकी दे रहा है तू? क्या बात है? अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, भाग कहाँ रहा है? अरे ये लड़का भी ना, आप देख रहे हैं ना? पापा आप क्या कर रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा हूँ, शायद उससे पता चल जाए तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी। सच्ची? इससे मम्मा का पता चल जाएगा? ट्राई करते हैं बच्चा। भाग रही? भाग रही? चल, चल। भाई, इसके हाथ पैर बांध के रखने होंगे वरना मरवाएगी हमें ये। हाँ भाई, अब वैसे भी हमें धंधे के लिए बाहर निकलना है और ये फिर से भाग गई तो एक काम करते हैं, दिन में से प्रमोद घर पे छोड़ते हैं और शाम को वापस आते वक्त लेके आते हैं। प्रमोद के घर पे रहेगी तो कोई शक भी नहीं करेगा। मेघा जी। हाय, मैं शशि, शामली का पति। मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ। आपने? जी, एक्चुअली शामली पिछले 40 दिनों से गायब है और उसके गायब होने से पहले मैंने देखा कि आप उसके रेगुलर टच में थे। आप लोग बात करते थे चैट्स में, मैसेजेस में। तो देखिए, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बता सकती हैं शामली कहाँ हो सकती है। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि शामली मिसिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शामली को जानती कैसे थी, उसके कांटेक्ट में कैसे आई। देखिए, शामली और मैं ओल्ड कलीग हैं और हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी में साथ काम करते थे। शशि, आप शामली को सर्च करने के लिए पीपल मिसिंग फोरम में क्यों नहीं लिखते? पीपल मिसिंग फोरम? हाँ, इसके करोड़ों यूजर्स हैं। अगर आप उसमें मेघा के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे तो हो सकता है कुछ शामली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये परिस्थिति किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? क्या करना होगा? औरत हो के तो आप मेरी तकलीफ समझ सकती है ना। बाहर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो ना बहुत तकलीफ में होगी। प्लीज मुझे उसके लिए यहाँ से जाने दीजिए। देख, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो ये लोग मुझे ऊपर पहुँचा देंगे। भूल जा अपनी बेटी को, समय के साथ साथ वो भी तुझे भूल जाएगी। प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। सॉरी, सिंह, बॉडीज उतरो। मैं आत्मा हूं। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश मेरा स्वभाव है। यहाँ सबसे पहले कौन आया था, किसने देखा? सर, इनके भाई आनंद अरोड़ा, वो है यहाँ पर। बोला। ये मेरे बड़े भरा प्रशांत, यह उनका बेटा मिहिर और ये मेरी परजाई अरुणिमा। मैं जब यहाँ आया तो दरवाज़ा खुला था। और ये सब? आप ही यहीं रहते हैं? नहीं सर, मेरी फैमिली अलग रहती है। मैं इनसे मिलने आया था और इन्होंने आत्महत्या। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि सबने एक साथ मिलकर ये कदम उठाया? सर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। घर में सब खुश थे, इनफैक्ट मीर की शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। इस पूजा को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तंत्र के लिए पूजा की जा रही हो। और वो दीवार पे लिखा है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना मेरा स्वभाव है। किसने लिखा होगा ये? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ भैया पूजा पाठ में बहुत यकीन रखते थे। ये जो पूजा की जा रही थी किस मकसद से की जा रही थी? कोई मन्नत, संकल्प? इस पूजा के बारे में भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सर इनका कहना है कि प्रशांत तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कहीं पूजा पाठ के चक्कर में ही तो पूरे परिवार ने आत्महत्या नहीं कर ली। हत्या हो या आत्महत्या, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस पूरी फैमिली का पता करो, ये कब किससे मिल रहे थे, पूरी डिटेल निकालो। सर अंदर पूजा के सामान में ये डायरी मिली है। इस डायरी के पहले पन्ने पर भी वही लिखा है जो यहाँ दीवार पर लिखा है। कोई है? कोई है वहाँ? हाँ बोल। आज डेट क्या है? 20 जुलाई 2019। साल हो गए मुझे यहाँ, मौत भी नहीं आती। कब मरूंगी मैं? चलो, प्रशांत, अरुणिमा और मिहिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों की मौत का कारण फांसी है। तो क्या ये सुसाइड है? सर मिहिर की बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स हैं, लेकिन प्रशांत और अरुणिमा की बॉडी पर नहीं है। मिहिर की बॉडी पर जो मार्क्स हैं वो मौत के कुछ दिन पहले के हैं। सिमरन याद है कुछ साल पहले दिल्ली में भी लगभग एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के 11 लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक के अपनी जान दी थी। जी सर, उसमें भी एक नोटबुक मिली थी जिससे ये गुत्थी सॉल्व हुई थी कि उन 11 लोगों ने सुसाइड ही किया है। लेकिन प्रशांत के घर से मिली इस डायरी में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है कि फैमिली मरने के बारे में सोच भी रही थी। इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता करता है। प्रशांत के कॉलेज, मीर की फियांसे, इस फैमिली के सभी रिश्तेदारों से बात करते हैं। आखिर पता तो चले कि इस फैमिली के मन में चल क्या रहा था। सुसाइड नहीं कर सकता और मेहर तो क्या उसके पेरेंट्स भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मेहर से शादी होने वाली थी तो ये लव मैरिज होती या अरेंज मैरिज होती? अरेंज कब लव। 3 महीने पहले हमारा रिश्ता पक्का हुआ था और उन 3 महीने में ना हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेहर की बॉडी पर कुछ चोटों के निशान थे जो उसकी मौत से 2-3 दिन पहले के हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि उसकी किसी से लड़ाई हुई हो, कोई हाथापाई हुई हो? नहीं मैम। प्रशांत वाज रियली ए जीनियस। उसकी रिसर्च और थीसिस के चर्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक थे। वो उसका परिवार काफी खुश थे। आई कैन नॉट इमेजिन वो सुसाइड भी कर सकता है। मनोहर जी, प्रशांत तो आपके कॉलीग थे, क्या कभी उन्होंने कोई ऐसी बातें शेयर की जिससे ये पता चले कि वो या उनकी फैमिली किसी परेशानी में है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे। लेकिन हाँ, वो अपने बेटे को लेकर थोड़ा परेशान थे क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो उसका रिश्ता भी पक्का हो गया है। प्रशांत एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान थे। आपको क्या लगता है उनका तंत्र मंत्र में विश्वास होगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है उनका इस पर विश्वास हो। अभी आपने कहा कि प्रशांत के चर्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक थे, ऐसा क्या किया था प्रशांत ने? सर, प्रशांत ने हिमालयाज़ पर रिसर्च की थी। उसने अपनी रिसर्च में एक ऐसे डिवाइस के आइडिया को क्रैक किया था जिससे भूकंप आने से पहले ही अलर्ट्स आ जाते थे, और हमारी कॉलेज से काफ़ी प्रोफेसर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, मगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को प्रशांत का प्रोजेक्ट ही अच्छा लगा था और वो उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते थे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। प्रशांत ने ऐसी कामयाबी हासिल की थी कि उसे नाम और शोहरत मिलने वाले थे। उसके बेटे की शादी होने वाली थी, साफ दिख रहा था कि पूरा परिवार खुश था। फिर वो आत्महत्या क्यों करते? इसी कारण पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या का केस है। और फिर प्रशांत के घर की दीवार में वो सब लिखा होना, उसके पीछे का क्या राज था? पुलिस प्रशांत के परिवार में हर तरह की बात पता करने की कोशिश कर रही थी। वहीं शामली 2 महीने से क्रिमिनल्स के कब्जे में थी। सोशल मीडिया के मिसिंग फोरम पर उसके पति को अब तक शामली के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उस मिसिंग फोरम पर एक लड़की ऐसी भी थी जो पिछले 10 सालों से गायब थी। वो लड़की कौन थी? प्रशांत की थीसिस और उसकी रिसर्च ही उसकी असली प्रॉपर्टी थी। 100 करोड़ की डील होने वाली थी उसकी। प्रशांत के कंप्यूटर्स, उसकी थीसिस और रिसर्च की फाइल्स चेक करो। ओके सर। सर, मिहिर का फोन चेक किया, उसमें तस्वीर मिली है, एक वीडियो भी है सर। हमारी सोसाइटी में गे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट आई वॉन्ट टू चेंज देयर माइंडसेट। क्यों ना कोई पाप नहीं है, और हमारी सोसाइटी। मिहिर से वीडियो और ये फोटो देखकर तो लगता है कि कहीं में। पता क्या कौन है लड़का? दिलीप नाम है इसका। प्रशांत के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला मिहिर और दिलीप की दोस्ती उन लोगों को पसंद नहीं थी। बुलाओ इसको। ये सच है सर कि मिहिर के पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मिहिर और मैं प्यार करते थे एक दूसरे से। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम और मिहिर रिलेशनशिप में थे? यस सर, मिहिर गे था एंड आई लव्ड हिम। तुम कह रहे हो कि तुम मिहिर से प्यार करते थे, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, इसके बावजूद मिहिर की मधु नाम की एक लड़की के साथ शादी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस शादी से खुश नहीं थे, इसी वजह से तुमने मिहिर और उसके पूरे परिवार को। आपको क्या लग रहा है मैंने उन तीनों को उनके घर में लटका दिया? क्या इतना दिल लगता हूँ मैं आपको? गलती हो गई भाई, गलती हो गई। हमसे गद्दारी करेगा भाई, माफ कर दो, माफ कर दो तुझे, माफ। कहाँ जा रही है? चल साफ कर। ठिकाना लगाओ इसे। अरे भाग के क्यों आ गई? चल साफ कर। नहीं नहीं, डर लगता है खून से? तेरा ही डर तो भगाना है मेरे को। चल चल यहाँ से। मैं माँ बनने वाली हूँ, अब तो छोड़ दो मुझे। अब कैसे छोड़ दूँ तुझे? तेरे पेट में बच्चा है मेरा, अरे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तू। अब तो नहीं छोड़ सकता तुझे। लवली बाबा की बात कर रहे हो तुम? सर मुझे कुछ नहीं पता ये लवली बाबा कौन है, लेकिन उस फोरम पे मुझे मैसेज आया था कि मेरी बीवी शामली उस गैंगस्टर लवली के चंगुल में है। देखो हमारी जानकारी के हिसाब से लवली बाबा नाम का एक गैंगस्टर पंजाब में हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों से वो अंडरग्राउंड है। मुझे नहीं लगता हमारे एरिया में होगा। सर उस एरिया का उस फोरम में कोई भी जिक्र नहीं है, और सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किसने मैसेज किया और कहाँ से मैसेज किया था। हो सकता है कोई तुम्हारी परेशानी का मजाक बना रहा हो, आजकल ऐसे बहुत से बैठे हैं ऑनलाइन। सर लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्लीज मेरी बीवी को ढूंढिए, अगर वो उसके चंगुल में तो उसको छुड़ाइए। सर प्लीज हेल्प कीजिए ना। हमने कहा ना तुमसे, लवली बाबा नाम का गैंगस्टर हमारे एरिया में हो ही नहीं सकता। तो बख्श दो मुझे अपनी हवस से, प्रेग्नेंट हूं मैं। दवा लाया था तेरे लिए, ले खा ले। जहर दे दो मुझे, नहीं जीना मुझे, अब नहीं जीना मुझे। देख जीना तो पड़ेगा, हम दोनों के बच्चे के लिए और मेरे लिए। सर मधु का एक भाई है नवीन, मिहिर की फैमिली की सुसाइड वाले दिन से ही गायब है। सर मैंने पता किया, हादसे के 2 दिन पहले मिहिर मधु के घर गया था, लेकिन ये बात मधु ने हमें बताई नहीं बल्कि हमसे छुपाई। सर मेरा भाई तो बाहर गया है किसी काम से। बाहर कहाँ? मालूम नहीं सर। तुम्हें सब कुछ मालूम है, बहुत कुछ छुपा रही हो तुम हमसे। हमें यह भी पता चल गया कि मीर एक गे था, इसके बावजूद वो तुमसे शादी कर रहा था। ये बात तुम्हें और तुम्हारे भाई को पता चल गई, इसी वजह से तुमने और तुम्हारे भाई ने। नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं, मीर ऐसा नहीं था। मीर एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा था, प्रूफ है हमारे पास, दिखाए। मतलब सॉरी, शादी से पहले सब करना ठीक नहीं है। सर मुझे उसकी होनेस्टी बहुत अच्छी लगती थी, और एक दिन उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा, इस वजह से मिहिर और तुम्हारे भाई का झगड़ा हुआ। क्या रे? हाँ? क्या बोल रहा तू कि तेरी बहन से मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर। अब तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे सच में प्यार करता था, और शादी के बाद ना मेरी लाइफ खराब ना हो जाए इसलिए ना वो मुझसे झगड़ा करके मुझसे दूर हो जाना चाहता था। बट सर आई स्टिल लव हिम, चाहे वो गे था या नहीं। अगर वो इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर रहा है तो हमें किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के पास जाना चाहिए। वो इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकता है? और अब तो 5 महीने बीत चुके हैं, एक गैंगस्टर के जंगल में क्या क्या हुआ होगा दीदी के साथ। तो क्या चाहते हो तुम? हाँ, अपनी बीवी को ढूंढना बंद कर दूं? हेलो, अपनी बीवी शामली को ढूंढ रहा है ना तू? कौन बोल रहा? मैं तेरा वेल विशर, मैं तेरी बीवी को लोली बाबा के चुंगल से बचा सकता हूँ, लेकिन तुझे उसके लिए 20 लाख रुपए देने होंगे। 20 लाख? और हाँ, पुलिस को बताने की सोचना भी मत। पर मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ? मैंने तुझे उस फॉर्म पे मैसेज किया था, पैसे लेके मिल मुझे, मिल जाएगी तेरी बीवी। सर प्रशांत के घर के पीसी से रिसर्च फाइल्स और थीसिस मिले, ये देखिए सर। सर ये उसी 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट की रिसर्च फाइल्स हैं। मैंने इनकी प्रॉपर्टीज में जाकर चेक किया तो इसके ऑथर का नाम चंचल है। चंचल? जी सर, ये फाइल्स 10 साल पहले क्रिएट की गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। पता करना होगा ये चंचल कौन है और इस चंचल का प्रशांत के साथ क्या कनेक्शन। सर चंचल तो प्रशांत की रिसर्च स्कॉलर थी। रिसर्च स्कॉलर? हाँ। अब कहाँ है चंचल? वो तो 10 साल से मिसिंग है। 10 साल से? कहाँ? 10 साल से उसका कुछ पता नहीं चला। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे ही किसी रिसर्च के बारे में बात करती थी, और हमें लगता है जिस रिसर्च की वो बात करती थी उसे प्रशांत ने डेवलप कर दिखाया। सर पिछले कई सालों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि चंचल मुझे कभी मिल भी पाएगी या नहीं। चंचल का मिसिंग केस पता किया हमने, लोकल पुलिस का मानना है कि चंचल का किसी लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए वो आपको छोड़ के उसके साथ चली गई। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो तो तब अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, जिसके लिए वो प्रशांत सर के साथ काम कर रही थी। देखिए भैया, मैं आप पे भरोसा करके पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन पहले आप मुझे मेरी बीवी का पता बताइए, उसके बाद ही मैं आपको पैसे दूंगा। अरे मैं तुझे उसका पता बता रहा हूँ, ये ले लवली बाबा का ठिकाना। लेकिन आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? ए तू रख अपने पैसे, नहीं बताना मुझे लवली बाबा का। सर प्लीज 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 ये लीजिए ना, थैंक यू। और हाँ सुन, संभाल कर जाना, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। सर चंचल मिसिंग केस में पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करने वाली काफ़ी बातें हैं सर, ये देखिए। जिस दौरान चंचल गायब हुई थी। उसे इस लड़के के साथ कई बार देखा गया था, इसके कई विटनेस हैं। सर, इसका स्केच तो बना पर पहचान नहीं हो पाई। पुलिस यही सोच रही थी कि ये चंचल का लवर होगा और चंचल इसके साथ भाग गई। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। 10 साल पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल से इसने कोई क्राइम नहीं किया होगा। क्रिमिनल्स डेटा खंगालो, शायद इसकी पहचान वहीं से मिले। सर, आपका अंदाजा सही निकला। क्रिमिनल डेटा से इस आदमी का रिकॉर्ड मिला है। इसका नाम प्रमोद है। 3 साल पहले पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर यह इलीगल गन के साथ पकड़ा गया था। इसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन उसके बाद से बाहर है। उठा लो। साहब, मैं किसी चंचल को नहीं जानता साहब। मानता हूं मैं कुछ साल पहले मैं एक गन के साथ पकड़ा गया था, लेकिन वो गन मेरी नहीं थी साहब। किसी ने मेरी गाड़ी में रख दिया था और मुझे फंसा दिया। 10 साल पहले कई विटनेस ने देखा था तुझे चंचल के साथ, स्केच भी बनवाया था तेरा। अब सीधे सीधे बोल, चंचल कहाँ है, क्या क्या उसके साथ? मैडम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ पे? बस यही पास में। आई, मैं आपको लेके चलूँ। आई। और कितनी दूर है भाई? बस थोड़ी दूर और। उसके बाद चंचल को मैंने एक जगह कैद करके रख दिया था, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था साहब, किसी के कहने पे किया था। किसने करवाया था? और चंचल कहाँ है इस वक्त? क्या चाहिए आपको? बताते हैं क्या चाहिए। बताते हैं क्या चाहिए। ये प्रमोद लवली बाबा गैंग का आदमी है। उसके कहने पे इसने चंचल को उठाया था। इससे पहले कि लवली अलर्ट हो जाए, फिर से अंडरग्राउंड हो जाए, हमें उसको उठाना होगा। सब लवली का आदमी है ना तू? सर, मैं लवली का आदमी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बीवी को लेने आया। तेरी बीवी? हाँ सर, लवली ने पिछले 9 महीने से मेरी बीवी को किडनैप करके रखा है सर, उसको बचा लीजिए सर। क्या हुआ? भाई पुलिस। पूछ लो, पूछ लो, चलो। लवली, हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। रोगा जी, जाने दो, मन नहीं तो गोली मार दूंगा इसे। पीछे पीछे, नीचे। रुक। शामली मेरे कॉलेज के बगल वाली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। सोचा एथलीट हूँ तो इंटरमीडिएट कंपटीशन में रनिंग में मेडल लूँगा तो प्रपोज करूँगा तो मान जाएगी। लेकिन साहब मेडल तो मिल गया, लेकिन शामली शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। इसी फ्रस्ट्रेशन में मैं गलत राह पे चला गया और एथलीट से गैंगस्टर बन गया। फिर एक दिन मैंने चंचल को देखा। उसकी शक्ल बहुत हद तक शामली से मिलती थी। मेरा दिल आ गया उस पर। मैंने अपने आदमियों से बोल के उसको उठवा लिया और 10 साल तक उसको कैद करके रखा। जी, लेकिन साहब मैंने 6 महीने पहले शामली को एक सोशल मीडिया के चैनल पे कुकिंग का टिप्स देते हुए देखा। 10 साल की तलाश पूरी हो गई थी। मैंने उठवा लिया उसे। पुलिस ने शामली को उसके सिरफिरे आशिक से तो बचा लिया, लेकिन आज उसके पेट में 6 महीने का रेप चाइल्ड पल रहा था। ये अच्छी बात है कि उसके परिवार ने उसे अपनाया, लेकिन क्या वो खुद अपने ऊपर हुई प्रताड़नाओं को कभी भी भूल पाएगी? और क्या समाज उसकी उलझी हुई मानसिकताओं को, उसके अतीत को समझ पाएगा? पुलिस ने 10 साल से लापता चंचल के अपराधियों को हवालात में पहुंचा दिया था। वहीं प्रशांत और उसके परिवार के कातिलों से संबंधित उन्हें एक लीड मिली। उसके कलीग मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स में उन्हें कुछ नंबर्स मिले जो सुपारी गैंग से संबंधित थे और उन्होंने तुरंत मनोहर को अपने गिरफ्त में लिया। मनोहर को लगता था कि प्रशांत के कारण उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला था और प्रशांत की हत्या के बाद उसे वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसलिए उसने अपने गुंडे भिजवा के प्रशांत और उसके परिवार को मरवा के इसे आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की और प्रशांत की दीवार पे वो सब कुछ लिखवा के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। चाहे रिश्ते की हो या करियर की, अगर चाह गलत है, उसे पूरा करने का रास्ता गलत है, तो आपको अपराध की ओर ही ले जाता है। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।